रेप केस में कुलदीप सेंगर पर भी सजा का ऐलान आज हो सकता है। 30,000 कोर्ट में करीब 12:30 बजे सजा पर बहस होगी। कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्नाव रेप केस में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। सजा पर बहस 17 दिसंबर को होगी। दोपहर 12:30 पर यह बहस शुरू होगी। तो आज उन्नाव रेप केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया 30,000 कोर्ट की तरफ से, और आज जो फैसला है वो होना है। तो सजा पर आज बहस होगी। तो उन्नाव रेप केस में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने से आरोपी महिला शशि सिंह को भी दोषी ठहराया। तो शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास ले गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। और अब दोषी तो ठहराया जा चुका है, लेकिन आज सजा पर 30,000 कोर्ट में बहस होगी। 12:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। तो उन्नाव रेप केस में दिल्ली की 30,000 कोर्ट में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर बहस होगी। तो 5 में से 1 मामले में दोषी जो है कुलदीप सेंगर को ठहराया गया है। तो 30,000 कोर्ट ने दोषी ठहराया है और आज 12:30 बजे सजा को लेकर बहस शुरू होगी। तो उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर पर सजा का ऐलान हो सकता है। सभी की निगाहें भी इस सुनवाई पर टिकी होंगी कि क्या यहां मुसीबत जो है वो कुलदीप सेंगर की आगे के लिए पड़ती है या फिर राहत मिलती है, क्योंकि लगातार अपने बचाव की कोशिशों में जो है वो जुटी हुई है। इससे पहले 30,000 कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई थी।